दोस्तों भारतीय टीम के शेरों ने रच दिया इतिहास। जो क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह जो टेस्ट करियर में बड़ी सी बड़ी टीमें ना कर पाई वो भारतीय टीम ने कर दिखाया। रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली ने रच दिया इतिहास। विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत, शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा, रविचंद्र अश्विन का भी आया तूफान। दूसरे टेस्ट मुकाबले के पांचवें दिन यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान को इस कदर धोया कि वो पूरी जिंदगी याद रखेंगे। वहीं दोस्तों भारतीय टीम ने 448 रनों से दूसरा टेस्ट मुकाबला जीत लिया और दोनों के दोनों टेस्ट मुकाबले अपने नाम किए। लेकिन दोस्तों कैसे 448 रनों से जीता, किस बल्लेबाज ने कितने रन ठोके, सब कुछ आपको बताने वाले हैं इस छोटी सी वीडियो में। वैसे आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को अगर देख रहे हैं तो प्लीज शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। चैनल पर अगर आप हमारी पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर देना। देखिए कैसे बांग्लादेश के खिलाफ पांचवें दिन भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल यमराज बन बैठे। भारतीय टीम के दो कुकार विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए कूद पड़े, जहां पर तूफानी कुकार विस्फोटक बल्लेबाज रोहित शर्मा पूरी तरीके से फ्लॉप रहे और दूसरे ओवर की छठी बॉल पर सिर्फ 4 रन बना करके यशस्वी जायसवाल का साथ दे रहे हेडमैन कप्तान रोहित शर्मा आउट हो गए। मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए शुभमन गिल, हर किसी को लगा कि शुभमन गिल काफी बेहतर विस्फोटक बल्लेबाजी करेंगे और जल्दी से जल्दी इस मुकाबले को जीतकर बांग्लादेश की टीमों को पवेलियन का रास्ता भेज देंगे। लेकिन दोस्तों शुभमन गिल भी 0 रन पर आउट हुए, यहां पर भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लगा। लेकिन दोस्तों यशस्वी जायसवाल का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। यशस्वी जायसवाल काफी तबाही भरी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर ताबड़तोड़ तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा रहे थे। यशस्वी जायसवाल ने 8वें ओवर की 6 गेंदों पर 3 छक्के 3 चौके ठोक दिए, 9वें ओवर की 6 गेंदों पर 5 छक्के 1 चौका तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने भी ठोक दिया। लेकिन दोस्तों जब विराट कोहली मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए तो विराट कोहली ने बांग्लादेश की टीम को इस कदर धोया कि वो 7 जन्म तक नहीं भूल पाएंगे। दोस्तों 11वें ओवर की 6 गेंदों पर विराट कोहली ने लगातार 2 कवर ड्राइव की ओर चौके और एक आसमानी गगनचुंबी छक्के की मदद से 14 रन ठोक दिए। विराट कोहली का बल्ला मैदान पर ताबड़तोड़ तरीके से चल रहा था। विराट कोहली काफी बेहतरीन विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा रहे थे। दोस्तों भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने काफी बेहतरीन विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए काफी बेहतरीन विस्फोटक तरीके से 15वें ओवर की 6 गेंदों पर 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि लगातार 4 छक्के और 2 कवर ड्राइव की ओर चौके ठोक दिए। यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान के होश उड़ गए। बांग्लादेश के कुछ गेंदबाज ऐसे थे जो दौड़कर यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली का बल्ला चेक करने के लिए आ रहे थे। जी हां दोस्तों, जब भारतीय टीम के यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा शुरुआत के 2-4 रन बनाकर के आउट हुए, जहां पर भारतीय टीम को एक पल के लगा ऐसा लगा कि दूसरा टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम को हारना पड़ जाएगा, लेकिन विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल ने पारी को संभालते हुए मैदान पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। घातक विस्फोटक बल्लेबाज विराट कोहली ने 20वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 4 छक्के 2 चौके फिर ठोक दिए तो वहीं 21वें ओवर की 6 गेंदों पर 3 छक्के 3 चौके तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने ठोक दिए। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेर एक दूसरे की मदद से काफी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। कोच गौतम गंभीर, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह के भी पसीने छूट गए जब विराट कोहली ने लगातार 6 गेंदों पर गगनचुंबी 6 छक्के ठोक दिए तो वहीं 28वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 5 छक्के 1 चौका यशस्वी जायसवाल ने ठोक दिया। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों ने मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश की टीम को धोने में कोई कसर नहीं छोड़ी और तीसरे T20 मुकाबले में यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चला। तीसरे टेस्ट मुकाबले के पांचवें दिन भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों ने कोहराम मचा दिया। वैसे तो भारतीय टीम ये दूसरा टेस्ट मुकाबला दूसरे तीसरे दिन ही जीत रही थी, लेकिन दूसरा टेस्ट मुकाबला इसलिए रुका था क्योंकि बारिश की वजह से, लेकिन फिर भी पांचवें दिन हमारे भारतीय टीम ने दूसरा टेस्ट मुकाबला जीत लिया। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।